अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे संबंधित अनुष्ठान में भाग लिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुनहरी रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री इस दौरान अपने हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का छत्र भी लेकर आए। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए संकल्प लिया। अनुष्ठान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोपहर 12:30 बजे रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर पर पुष्प वर्षा की, लेकिन ऐसे में राम भक्तों के मन में एक ही सवाल गूंजता कि रामलला तो अपने घर आ गए लेकिन भगवान से भक्त मिले कैसे। तो चलिए जानते हैं कि रामलला के दर्शन की क्या होगी पूरी प्रोसेस। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर मंगलवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर 7:00 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर में 12:00 बजे से 7:00 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला के दिन में 3 बार आरती होती है। पहली सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दूसरी दोपहर 12:00 बजे भोग आरती और तीसरी शाम को 7:30 बजे संध्या आरती। आम आदमी राम मंदिर की आरती में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास वैलिड पहचान पत्र ID प्रूफ होना जरूरी है। एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो पाएंगे। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।